लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। इसी के तहत मेले का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू, DCP जगमोहन सिंह, IPS अंकुर गुप्ता, ADCP जगजीत सिंह सरोवा, ACP नॉर्थ मोहित सिंगला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर की परिक्रमा कर मेले की तैयारियों का जहां जायजा लिया, वहीं मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा सहित सभी उचित प्रबंधों का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के प्रधान बिपिन चड्डा बब्बी, अतुल चड्डा, रमन शर्मा और राजन शारदा ने आए हुए सभी उच्चाधिकारियों को सम्मानित भी किया। हर तरह के प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के रेगुलेशन के फैसिलिटेशन के और बाकी जो सेवावान पुलिस वालों मुहैया कराई जा रही उस दे सारे प्रबंध किए गए हैं। अज इतने प्रबंधक साहबान को इस करके आए हैं ताकि प्रबंधा की समीक्षा की जा सके, जायजा लिया जा सके और जैसे कि कोई कमियां उनताइया ने उन्होंने पूरिया किया जाए। साड़ी कोशिश ये होगी कि जोड़े श्रद्धालु आस्था नाल इतने मत्था टेकने वास्ते पहुँच रहे हैं उन्होंने मत्था टेकने किसी किस्म की कोई समस्या ना हो और क्रिमिनल एलीमेंट्स वालों किसी किस्म की कोई वारदात भी ना की जाए। पुलिस ड्यूटी इन्हें दोनों कंसीडरेशनस मद्देनजर रख के ऑर्गेनाइज की जा रही है। सर 24 घंटे का मेला है, लखा श्रद्धालुओं ने किन्ने क मुलाजम लगाए गए हैं? असीं इसनूं 3 शिफ्टां च वंडिया है और हर शिफ्ट के विच असीं सीनियर पुलिस अधिकारी DCP लैवल के उन्होंने जिम्मेवारी दी हुई है और इन शिफ्टां दे विच एडिक्वेट नंबर दे विच असीं जवान तैनात किए गए हैं। पार्किंग से वक्री ड्यूटी है, ट्रैफिक की वक्री ड्यूटी है, अंदर लाइना दे विच रेगुलेशन की वक्री ड्यूटी है, पिस्टल की वक्री ड्यूटी है, वक् वक् कंट्रोल रूम से भी ड्यूटी हैगी है और असी पुलिस हेल्प काउंटर्स भी लाए हुए हैं, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी लाइया हुई हैं। सो हर तरह की सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और असी यह भी हम डिस्कस किया जाता कि जे कि कोई बच्चे या परिवार के मैंबर एक दूजे तो विछड़ जाते हैं मेले के उन्होंने एक दूजे को बुलाने वास्ते किस किस्म के इंतजाम किए जाने चाहिए है उन्होंने मोडैलिटीज़ असी वर्कआउट की है और असी कोशिश करांगे कि इस किस्म की जो एकदम घबराहट हो जाती है जो कोई परिवार का मेरे बच्चे जाता है वो ना हो। साडा वैसे तो स्टैंडर्ड हेल्पलाइन 112 एमरजेंसी वाला है ही है, इस तो अलावा होर भी हेल्पलाइन नंबर है, बाकी जो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है वो साढ़े को है जो असी बोर्डिंग डिस्प्ले किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विज और पार्षद रीटा शर्मा ने परिवार सहित बाबा जी के समक्ष माथा टेका और पारिवारिक सुख की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी, जय बाबा सोडल जी। 9 तारीख को बाबा सोडल जी का बड़ा धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है। जालंधर वासियों को, पंजाब वासियों को लख लख बधाई होवे। बाबा जी की कृपा के नाल ही जी इन्नी कृपा भी जलंधर के 15-20 दिन मेला चलता रहता और बड़ी रौनक लगती है। लोग इतने दुध पुत मंगने आते हैं और उन्होंने मुरादा पूरी होती हैं, सारे परिवार समेत आओ और इतने फटाफट ही मुरादा पूरी होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, खासकर CP पुलिस ने जगह जगह से इलाके पुलिस लगे, किसी तरह की कोई किसी परेशानी नहीं आई, ना ट्रैफिक की ना किसी की कोई बेतरक होकर अपने परिवार समेत आओ और इतने साढ़े आदरणीय ठाकरे साहब ने कार सेवा के चेयरमैन ने साढ़े जोगिंद्र पाल शर्मा जी और प्रभाकर साहब होर चौहान साहब सहगल साहब साढ़े आदरणीय चमन लाल शर्मा जी जोड़े साढ़े महाप्रभु है और पीशव पदामा है 92 साल उम्र हो गई और 92 साल के मेरे ख्याल करीबन 50-55 साल इन्हें बाबा जी की सेवा की। बाबा जी मुकदर के आशीर्वाद के नाल इन्होंने सेहत बख्शी गई है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों सारे लख लख बधाई देना। जय बाबा जी। बाबा सोडल जी का दरबार की है, बाबा सोडल जी का मेला बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है
और हर साल की तरह है उनका नाम लाया जा रहा है। बहुत ही फंक्शन आ रहे हैं, देखते हुए बहुत रश है। इस रश को देखते हुए साड़ी आम आदमी पार्टी वालों साड़ी ड्यूटी लगी सी मैडम राजिंदर कौर जी ने जगदीश ढाल जी ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम पानी की सेवा करो, उन्होंने भी ऐसे पानी की सेवा जी है वो कर रहे हैं।